नमस्कार, मैं आपका अपना मुझे स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे YouTube चैनल उन्नाव ब्लॉगर में। और दोस्तों यार, आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है और कुछ अलग ही हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे और दिखाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक श्रीवास्तव, जो कि हमारे पिछले ब्लॉग में आए हैं, लगभग एक दो ब्लॉग में, और आज हम इनके घर पर मौजूद हैं। और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो एक यूट्यूबर के लिए हमें क्या क्या प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। आज हम इस वीडियो में सारा कुछ आपको बताएंगे, सारा कुछ एक्सप्लोर कराएंगे। तो दोस्तों यार, वीडियो जो है काफ़ी ही अच्छी होने वाली है। और आपका बजट क्या है, कितना है, लो से लेके हाई तक जो भी आपका बजट है, हम सारे बजट में वो सारे गैजेट्स, वो सारे प्रोडक्ट दिखाएंगे जो एक यूट्यूबर को ज़रूरत पड़ती है या फिर एक फोटोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है, फोटोग्राफर को, या फिर आप समझ सकते हो। तो दोस्तों यार, अभी हम अभिषेक भाई से कुछ बातचीत करते हैं। और अभिषेक भाई के पास देखा जाए तो सारे वो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, और हम आज एक एक करके उन सारे प्रोडक्ट को दिखाएंगे और उनका प्राइस भी आपको बताएंगे कि क्या क्या रेंज में प्राइस में हैं जो आप परचेस कर सकते हो और आप एक यूट्यूबर होकर उसे इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि यूट्यूब से हम बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं, लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं यूट्यूब से। मगर दोस्तों, लाखों रुपए कमाने के साथ साथ कहते हैं ना कि संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो उस लाखों रुपए कमाने के पहले आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी पहले अभिषेक भाई से बात करते हैं, देखते हैं अभिषेक भाई क्या कहते हैं। तो अभिषेक भाई कुछ बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं उन्नाव ब्लॉगर का बहुत बहुत स्वागत करूँगा जो यहाँ पर आए हैं और मुझे मौका दिया है कि मैं आपके साथ थोड़ा रूबरू हो सकूँ और कुछ बता सकूँ। दोस्तों जैसा इन्होंने टाइटल रखा है कि एक यूट्यूबर के लिए क्या गैजेट्स होने चाहिए जो उसके लिए ज़रूरी है, तो वैसे मैं बता दूँ कि कोई खास नियम नहीं है कि बहुत सारे गैजेट्स होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो यूट्यूबर के लिए एक एनर्जी होनी चाहिए कि हम क्या कंटेंट बना रहे हैं और हमें कंटेंट बनाना है। ठीक है, कई बार होते हैं हमारे पास संसाधन नहीं होते लेकिन हमारे अंदर इच्छा शक्ति होती है, तो सबसे पहले गैजेट्स में जो टॉप पे है वो है इच्छा शक्ति। ठीक है, अगर हमारे पास इच्छा शक्ति है तो हम कम से कम गैजेट्स में भी अपना कंटेंट अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी कुछ गैजेट्स हैं क्योंकि आज की डेट में बड़ा कॉम्पिटिशन हो गया है, तो बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं। मैं बता दूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, साथ ही साथ मैं फोटोग्राफी एंड सिनेमाटोग्राफी भी करता हूँ, तो मेरे गैजेट्स हो सकता है यूट्यूब के गैजेट्स से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, उतना ज़्यादा ज़रूरत भी ना हो यूट्यूबर्स को, लेकिन फिर भी आज की डेट में यूट्यूबर्स को भी उन सारे गैजेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं वन बाय वन आपको गैजेट्स बताता हूँ और दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या गैजेट्स का कलेक्शन है जो थोड़ा बहुत मेरे पास है। मे भी हो सकता है मेरे पास भी कम्प्लीट कलेक्शन ना हो, लेकिन फिर भी मेरे पास जो थोड़ा बहुत है मैं आपको दिखाने की कोशिश और समझाने की कोशिश करता हूँ उसकी इम्पोर्टेंस वगैरह क्या है। सो दोस्तों फाइनली जो है कि अब हम आप सभी को एक यूट्यूबर के लिए जो जो गैजेट्स, जो जो प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक एक करके हम आप सभी को दिखाएंगे और हमारे अभिषेक भाई जो जो इनके पास हैं प्रोडक्ट वो सारा आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको हाई रेंज में क्या क्या गैजेट्स आते हैं वो सारा कुछ बताएंगे। अगर आपका अच्छा खासा बजट है तो सबसे पहले आपको एक कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि देखा जाए कि कैमरा, मतलब कैमरा दोस्तों क्या है कि अगर आपका अच्छा रेंज है तो कैमरा से क्या होता है कि अगर आप फ़ोन से वीडियो शूट करते हो, जैसा कि मैं फ़ोन से वीडियो शूट करता हूं, तो फ़ोन में क्या चांस रहता है कि अगर आपके एक वीडियोज़ में अगर 100 व्यूज जाने वाले होंगे तो अगर आपने उस वीडियो को कैमरे से शूट किया है तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है और अच्छा होता है, तो उस पर कम से कम 200 व्यूज जाने की संभावना रहती है। तो ऐसे वीडियो, मतलब आप देखा जाए तो आज के टाइम में यूट्यूब पर काफ़ी कंपटीशन हो चुका है जिसपे आपको क्वालिटी की ज़रूरत पड़ती है, ना कि क्वांटिटी। मतलब अगर आपके वीडियो में क्वालिटी अच्छी खासी है तो आपका वीडियो वायरल होने का चांस होता है। तो सबसे पहले अभिषेक भाई आपको कैमरा दिखाएंगे कि अभिषेक भाई के पास कौन सा कैमरा है और क्या रेंज में है और आपके बजट के अनुसार आप कौन सा कैमरा खरीद सकते हो। तो सबसे पहले भाई आप कैमरा दिखाइए। दोस्तों कैमरे की जो शुरुआत है बेसिकली 30-40 हज़ार रुपये से भी हो सकती है। ठीक है, बट आज की डेट में अगर आप वीडियो कंटेंट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो आप एक ऐसा कैमरा लीजिए जो फोटोग्राफी के साथ साथ जो है वीडियो में भी एडवांस हो। और आज की डेट में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो है मिररलेस टेक्नोलॉजी। तो जैसा कि मेरे पास ये निकॉन का कैमरा है, निकॉन का ये मेरे पास निकॉन का Z50 कैमरा है, ये एक मिररलेस कैमबेस कैमरा है, तो आप इसका लो लाइट परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा होता है। और जैसा कि आज की डेट में लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि इसमें आप फ्लिप स्क्रीन है जो कि बाहर की तरफ होती है, तो अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं, एक यूट्यूब ब्लॉगर हैं, तो आप व्लॉगिंग भी आसानी से कर सकते हैं। प्लस इस कैमरे का लो लाइट परफॉर्मेंस जो है वो भी काफ़ी प्रीमियम है।
दोस्तों अब सारी डिटेल्स आपको कैमरे के बारे में बताएंगे कि क्या प्राइस है और कौन सी कंपनी का कैमरा है अभिषेक भाई के पास, तो बताइए जरा आपसे भाई हमारे दर्शकों। ये कैमरा जो मैंने लिया था, ये कैमरा मुझे पड़ा था 80,000 रुपये का, 80,000 रुपये का कैमरा था जी। तो ये 80,000 रुपये का कैमरा है, आप इसमें मिररलेस में कम रेंज का भी ले सकते हैं, मुझे अपने ज़रूरत के हिसाब से ये कैमरा मैंने लिया है जी। तो मुझे ये एक कैमरा है जो हो गया आपका, आप वीडियो रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हैं, फोटोग्राफी भी अच्छी कर रहे हैं थंबनेल वगैरह के लिए, अब आपको एक माइक की ज़रूरत पड़ती है जो आपकी वीडियो में ऑडियो क्वालिटी को प्रीमियम बना सके जी। तो अब अभिषेक भाई आपको माइक भी दिखाएंगे तो क्योंकि बिना माइक के वॉइस क्लियर नहीं आएगी। तो दोस्तों ये है मेरे पास जूम का H1 माइक है। अब इसकी क्वालिटी स्पेशल ये है कि जैसे कि आप इसमें देखते हैं, इसमें लेफ्ट और राइट दो चैनल दे रखे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप मंजीत हमारे साथ हैं और अगर हमारे साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं या इंटरव्यू वीडियो कोई अगर लेना चाहते हैं जी, तो इसमें लेफ्ट और राइट दो चैनल दे रखे हैं। ये आपका स्टीरियो है तो ये लेफ्ट और राइट दोनों की ऑडियो रिकॉर्ड करेगा, प्लस ये एक एक्सटर्नल रिकॉर्डर है, इसे आप माइक की तरफ यूज़ कर सकते हैं। इसकी खास बात ये है, इससे आप कॉलेज के लेक्चर यूज़ करते हैं, अगर आप कोई शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाना चाहते हैं तो इसे बूम माइक की तरफ यूज़ कर सकते हैं। और इसमें इसकी स्पेशलिटी है कि इसका यहाँ पर डिस्प्ले है, वहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसमें एक फ़ाइल बनती है, वेव फाइल, ठीक है। तो वेव फाइल क्या है, ऑडियो की रॉ फाइल होती है, कि अगर आपने ऑडियो की रॉ फाइल बनाई है तो उसको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो उस फाइल पर। तो ये एक प्रीमियम माइक है, आप इसे मैन्युअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें एसडी कार्ड लगता है जी। और इसकी जो कीमत है वो 7,000 रुपीज़ है, 7,000 रुपये की कीमत है। सो दोस्तों यार अभी आपको अभिषेक भाई ने दिखाया माइक जो कि 7,000 की रेंज में है, अगर आपका बजट है तो आप 7,000 में खरीद सकते हैं, वरना आपको हम कम बजट वाली भी माइक आपको दिखाएंगे। तो अब आपको ज़रूरत पड़ेगी एक गिम्बल की, जो कि अगर अच्छा खासा रेंज है तो आपको एक गिम्बल की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब आपको अभिषेक भाई गिम्बल भी दिखाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यूट्यूबर की लाइफ जो है बड़ी संघर्ष वाली होती है, जब तक वो सफलता ना प्राप्त कर ले, और सफलता प्राप्त करने के बाद भी तो हमें क्या दिन हो रात को उबड़ खाबड़ रास्तों पर वीडियो बनाना होता, और किसी को शेकी वीडियो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो सबको चाहिए एक प्रीमियम वीडियो क्वालिटी वाला और स्टेबल वीडियो जो देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है। और आजकल हम लोग बहुत सारे कंटेंट बना रहे हैं, चाहे ट्रैवल कंटेंट हो चाहे कोई भी कंटेंट हो, हम लोग सिनेमैटिक भी दिखाते हैं, हम लोग किसी प्रोडक्ट का भी अगर रिव्यू दिखाते हैं तो वो भी 10 एंगल से सिनेमैटिक शॉट लेते हैं। तो ऐसे कंटेंट बनाने में आपको ज़रूरत लगेगी एक गिम्बल की, जैसे कि ये गिम्बल है, ये DJI का गिम्बल है, और मैं आपको उसको दिखाता हूँ, फिर इसके थोड़े इंपॉर्टेंस भी बताऊँगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो ये इसका है केस और इसके अंदर ये है गिम्बल, ठीक है। तो गिम्बल कोई भी गिम्बल हो, कोई भी गिम्बल, उसमें 3 एक्सिस होते हैं, तो आप इसमें यहाँ पर अपना फ़ोन लगा सकते हैं, यहाँ पर अपना फ़ोन लगा के इसके एक्सिस को बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो आप नज़दीक दिखाओ, ठीक है। तो आप जो है आप इसमें फ़ोन लगा के अपना कोई भी फ़ोन आप लगा सकते हैं, एप्पल कोई भी कंपनी का फ़ोन लगा सकते हैं, सारे फ़ोन इसमें फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप उसके बाद आप इसमें सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकते हैं, जी हाँ, सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो क्रिएटर्स हैं, उसमें नीचे स्टैंड लगा के वो इससे ड्रोन शॉट तक भी लेते हैं, मैंने खुद भी इससे ड्रोन शॉट लिया है जी, ठीक है। और आप इसको अगर फ़ोन में आपकी बैटरी नहीं है और आप वीडियो बना रहे हैं तो इसको आप ऐसा पावर बैंक चलते चलते भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब फ़ोन चार्ज भी हो रहा है और आप इससे वीडियो भी बना रहे हैं। अच्छा, मतलब ये भी लाभ है इसमें, अगर आपके फोन का स्विच ऑफ हो गया तो आप इससे मतलब चार्ज भी होता रहेगा, बनता है, आप इससे चार्ज भी कर सकते हैं और चार्ज करते करते इससे वीडियो भी बना सकते हैं। और इसका जो वीडियो है वो आप मानेंगे नहीं, बहुत ही ज़्यादा स्टेडी और स्टेबल शॉट आपको देगा, जो आज की डेट में सबको डिमांड है। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो आपको ये 12,000 के से स्टार्ट होता है, बाकी आप जितना पैसा आगे 25 लगा सकते हैं उतना लगाइए। फिलहाल ये मोबाइल का है, ये मोबाइल वर्जन है, जो लोग मोबाइल से ब्लॉगिंग करते हैं वो इसके लिए कैमरे का अलग होता है, DSLR का गिम्बल अलग होता है, ये मोबाइल का है जी। ये मैं जो आपको मॉडल बता रहा हूँ DJI Osmo Mobile 2 है। सो दोस्तों आपने देखा गिम्बल, गिम्बल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर आप वीडियो बनाते हैं तो जैसे वीडियो बनाते बनाते वीडियो हिलता है ना, तो गिम्बल में आप फ़ोन को सेट कर देंगे तो फिर आपका वीडियो जो होगा वो हिलेगा नहीं, तो ज़्यादा क्वालिटी रहेगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वीडियो वायरल होने के चांस भी रहेंगे। तो अब हमारे अभिषेक भाई आपको अगला प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं, तो देखिए। तो दोस्तों यार अभिषेक भाई इतने ज़्यादा प्रोडक्ट दिखा रहे हैं तो भाई मेरे तो देखा जाए तो कि पैरों की तले से ज़मीन खिसक रही है, क्योंकि हमें लग रहा भैया कि हम कब खरीदेंगे ऐसे प्रोडक्ट, क्योंकि भैया जब YouTube पे अर्निंग आएगी तभी हम खरीद सकते हैं और आप सभी का प्यार सपोर्ट रहेगा तभी खरीद सकते हैं। तो अब जो है फाइनली आपको दिखाने जा रहे हैं अभिषेक भाई कि आपको अगर कैमरा है, आपने कैमरा ले लिया, गिम्बल ले लिया, तो अब अगर आपको रात में वीडियो शूट करना पड़ा तो क्या अंधेरे में वीडियो शूट करेंगे, तो उसके लिए एक लाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी, एक फोकस की, तो वो फोकस भी और वो लाइट भी अभिषेक भाई दिखाएंगे। दोस्तों लाइट मैं तो आपको 2 मिनट बाद दिखाऊंगा,
ठीक है, फिलहाल अभी जैसे कई बार होता है हम लोग फोटो मतलब हम लोग वीडियो शूट करने जा रहे हैं बट हमें थंबनेल के लिए भी फोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं, ठीक, और हमें कोई भी फोटो अच्छा लगा तो एक कैमरा जो कि मैंने आपको दिखाया तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक अच्छा फ्लैश भी यूज़ करना है। तो दोस्तों ये मैं मेरे पास गोडॉफ का फ्लैश है, गोडॉफ आप जानते हैं कितना बड़ा ब्रांड है, तो ये मेरे पास गोडॉफ का फ्लैश है, TT 350 फ्लैश है, चालू होता है, ठीक है, दोस्तों अभी इसमें सेल नहीं पड़ी, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने जो खरीदा था लगभग 6,500 रुपये का ये फ्लैश है मेरा, ठीक है जी। तो ये फ्लैश रहा, इसके साथ मुझे ये डिफ्यूज़र मिला था, ये हो गया मेरा फ्लैश। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कवर है क्या, ये डिफ्यूज़र लाइट को डिफ्यूज करने के लिए यूज होता है। अच्छा भैया, हम तो कभी खरीदे नहीं इसलिए हमको पता भी नहीं है, आपसे भैया ही बताएंगे सारा कुछ। तो इतना सारा सामान आप क्या झोले में भर के तो लेके नहीं जाएंगे, इसके लिए चाहिए होगा आपको एक बैक पैक। तो दोस्तों ये बैक पैक मैंने लिया है अब रिसेंटली, मैंने लाइए मैं पकड़ता हूं, हां मैं आपको दिखा दे रहा हूं अच्छे से, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर अच्छा सा स्टोरेज वगैरह दे रखा है। अच्छा अच्छा, सारा कुछ इसके अंदर मतलब भर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, हमें लग रहा है ये बॉम्ब आइटम बॉम्ब की तरह है भाई साहब, देख सकते हैं ये क्लीनिंग किट है, सभी लोग जानते हैं जी, और इसमें मेरे सारे सामान रहते हैं, चार्जर वगैरह। अच्छा अच्छा जी, तो ये बैक पैक है आपको, ये सब अगर ट्रैवल वगैरह पर आप वीडियो भी शूट करने जाते हैं तो आपको ऐसे बैकपैक की जरूरत पड़ जाती है, ब्लॉगिंग करते हैं अगर आप तो बैग की जरूरत पड़ेगी भाई, तो क्योंकि बहुत लोग ब्लॉगिंग वगैरह ट्रैवल कंटेंट भी बनाते हैं तो उसके लिए ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ जो आपको ज़रूरत लगेगी जी। जैसे कि आप माइक यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक केबल की ज़रूरत लगेगी इस तरह की, ये 3.5 to 3.5 mm जैक है ये है, ठीक है। दोस्तों अभी फाइनली जो है कि हमने आप सभी को हाई रेंज में यानी कि हाई बजट में सारे प्रोडक्ट दिखाए हैं, तो अब क्या है दोस्तों कि अब हम आपको दिखाएंगे 2000 के अंडर में, यानी कि 2000 के अंदर में कम प्राइस में आप क्या क्या प्रोडक्ट खरीद सकते हो। 2000 के अंदर में हम आपको दिखाएंगे, ट्राईपॉड भी दिखाएंगे और उसके बाद माइक भी दिखाएंगे, सारा कुछ आपको दिखाएंगे। तो अभी सबसे पहले आपको जा रहे हैं अभिषेक भाई ट्राईपॉड दिखाने के लिए। तो जैसा कि आप कोई वीडियो कंटेंट बनाते हैं, कई बार आप स्टैटिक कंटेंट बनाते हैं, सेल्फ वीडियो बनाते हैं, तो आपको एक ट्राईपॉड की जरूरत पड़ती है या वीडियो, तो मेरे पास ये ट्राईपॉड मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पास ट्राईपॉड है जिसमें ये जो हेड लगा हुआ है आप देख सकते हैं ये फ्लूड हेड है, तो जब आप उसको ऐसे मूवमेंट करेंगे इसमें कोई आवाज़ नहीं आएगा और काफ़ी इसकी हाइट है और मजबूत है। तो ये मैंने लिया था 2000 रुपये का, तो ये 2000 रुपये का मेरा ट्राईपॉड, काफ़ी अच्छी हाइट है। और फिर मैं आपको दिखाऊँगा, कई बार लोग जैसे किसी के पास गिम्बल नहीं है तो लोग हैंडी वीडियो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये गोरिल्ला पॉड जैसा है हैंडी, ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये बॉल हेड में है, ठीक है, तो आप इसको आगे अपने हिसाब से रोटेट कर एडजस्ट कर सकते हैं और ये आपका वीडियो फोटोग्राफी के लिए दोनों के लिए हेल्पफुल है जी। और इसमें ऊपर लगाने के लिए आपको एक क्लैंप इस तरह का लेना पड़ेगा, तो ये मैंने लिया था 350 रुपये का और ये क्लैंप मुझे मिला था 100 रुपये का। अच्छा, ये अलग से लेना पड़ेगा? हाँ, ये 100 रुपये का क्लैंप अलग से जी। तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी का क्लैंप है। और इस तरह की एक रिग की ज़रूरत भी हमें पड़ती है, क्योंकि इस तरह की रिग कई बार हमें रात में वीडियो बना रहे हैं तो एक तरफ हमने मोबाइल लगा लिया और नीचे स्टैंड वही वाला दिखाया लगा लिया और इस तरफ एक लाइट लगा लिया जी, इधर मोबाइल लगा लिया, तो इस तरह की रिग की ज़रूरत पड़ती है हमें ब्लॉग कंटेंट बनाने के लिए। तो भैया आपने देखा अभी कि यार ये इसकी जरूरत तो देखा जाए कम रेंज में, कितने रेंज में आपने 350 होता है, 350 रुपये, तो ये तो हर कोई खरीद सकता है एक प्रकार से देखा जाए तो। और मुझे भी लेना है एक, मैं भी खरीदूंगा जल्दी। और वैसे तो मैं आपका कहाँ से वीडियो शूट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास था एक सेल्फी स्टिक बट मुझे कम्फर्ट नहीं लगा तो अभी, लेकिन लेना पड़ेगा। तो अब देखते हैं अभिषेक भाई क्या दिखाते हैं भैया, क्योंकि अभी तो एक से एक खजाना निकल रहा है, देखते क्या क्या दिखाते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने ये सब चीज़ें देखी और आप आउटडोर कहीं कंटेंट बनाना जा रहे हैं तो आपको अगर आप मोबाइल से कंटेंट बनाते हैं तो आपको एक पावर बैंक की ज़रूरत पड़ेगी। ये रियलमी का पावर बैंक है जो कि 1200 रुपये की कीमत का है, 10,000 mAh का फास्ट चार्जर है, फास्ट चार्ज कर देगा फ़ोन। और ये प्रोडक्ट हालांकि 2000 रुपये की रेंज का नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप कैमरे से कंटेंट बना रहे हैं, आजकल फ़ोन में भी कंटेंट बना रहे हैं, अपना कंटेंट ज़्यादा हो गया तो आपको एक हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सोनी की हार्ड डिस्क है, ये 1 TB की हार्ड डिस्क है, देखिए दोस्तों सोनी की हार्ड डिस्क है और थोड़ा कम दिखाई देगा हल्का सा, इसकी कीमत है 4000 रुपये, 4000 रुपये तो ये हाई रेंज में है, आप खरीद सकते हैं अगर आपका इतना बजट है तो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। और दोस्तों जैसे कि मैं इस माइक का यूज़ कर रहा हूँ, ये बोया का माइक है, ठीक है, जिससे वीडियो शूट हो रहा है दोस्तों, शूट हो रहा है, इसी से शूट हो रहा है, वैसे मेरे पास और भी माइक है तो इससे ये शूट कर रहे हैं, तो इसकी कीमत 650 से 700 रुपये के आसपास पे आपको मार्केट में ये मिल जाएगा,
दोस्तों परफेक्ट है। अगर हम आपको बताना चाहें तो क्या है कि मतलब अगर आपका कम बजट है और आप ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं या फिर आपको आप एक जगह बैठ के टेक वीडियो भी शूट कर रहे हैं तो बोया बाई M1 काफ़ी परफेक्ट मैक है जो कि आपको 650 स्टार्टिंग में मिल जाती है। और अभी मैं भी यार जल्दी लिया हूँ बोया का मैक क्योंकि मेरा मैक जो था वो टूट गया था, तो अभी मैंने बोया बाई M1 ख़रीदा है। तो अब अभिषेक भाई देखते हैं क्या अगला प्रोडक्ट दिखाते हैं। दोस्तों जो वीडियो आप देख रहे हैं ये छोटे से ट्राइपॉड पे लगा है और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप ब्लॉग कंटेंट कर रहे हैं, कई लोग ब्लॉग अपना कंटेंट बनाते हैं जो कि इंडोर बनाते हैं, जैसा कि हम इंडोर कंटेंट बना रहे हैं तो हमें अच्छी लाइटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे कि आप रेट देख रहे हैं कि अच्छी लाइटिंग चेहरे में पड़ रही है तो वो लाइट भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी दिखाते हैं, मैं लाइट भी दिखा देता हूँ, छोटा सा ट्राइपॉड भी। सो दोस्तों यार अभी हमको उठना पड़ा है क्योंकि अभी हम दिखाने जा रहे हैं आपको, अभिषेक भाई दिखाने जा रहे हैं लाइट, क्योंकि यार लाइट की भी ज़रूरत पड़ती है अगर आप एक बंद कमरे में वीडियो शूट करते हैं। तो ये है हमारा कुछ लाइट हमने लगा रखा है, तो ये लाइट हमारा है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा जला के भी। हम लोग इसी लाइट से शूट कर रहे थे जी, देख तो सकते हैं अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि लाइट है इतना। ये हमारा लाइट था और हम इस ट्राइपॉड पे वीडियो शूट कर रहे थे, तो ये लाइट और ट्राइपॉड है और इस लाइटिंग के लिए हमने छाता भी ले रखा है और भी का सामान हमने डिफ्यूज करने के लिए अभी हमने करंट में उसको निकाल ले रखा है, छाता भी है और इस तरह हमने दो ट्राइपॉड। तो ये किस रेंज में आता है दोस्तों? ये लाइट आपकी आएगी 2700 से 2800 रुपए के आसपास के रेंज में मैंने मिल गई थी मुझे, और भी इसमें काफी महंगी तक के लाइट आप ले सकते हैं इतना बजट है। और ये जो स्टैंड जो ये आप देख रहे हैं ये 600 से 700 रुपए की रेंज में आ जाएगा। बाकी स्टैंड में भी कई सारी क्वालिटी है, आप हैवी स्टैंड लेना चाहते हो वो भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये है ट्राइपॉड जो कि अभी अभिषेक भाई ने आपको बताया है, तो इसका रेंज आपको समथिंग 350 स्टार्टिंग है और इसको आप एक जगह रख करके आराम से वीडियो शूट कर सकते हो। तो जैसे मैं भी देख रहा था आपको इसी से हम वीडियो शूट कर रहे थे। तो दोस्तों ये थे आज के प्रोडक्ट जो कि हमने आपको हाई रेंज से लेकर लो रेंज तक बताया है, और एक यूट्यूबर के लिए देखा जाए तो इन सारे प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। कम रेंज में आप एक बोया बाई M1 की माइक खरीद सकते हैं और एक ट्राइपॉड खरीद सकते हैं 350 रुपये का, और आपके पास एक फ़ोन है अगर अच्छा खासा स्मार्ट तो बहुत ही सही है, आप उसी से करो। और मेरी राय जहाँ तक ये है कि अगर आप YouTube पर आ रहे हैं तो स्टार्टिंग में पैसे इतना खर्चा करके आप ना फंसाएं, क्योंकि YouTube जो है कि एक प्रकार जुए की तरह है कि कभी लग किया, अगर काम किया आपका लग तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो फिर आप घाटे में आ सकते हैं एक प्रकार से कह सकते हैं। और अगर अच्छा खासा आपका बजट है तो आप एक कैमरा भी खरीद सकते हैं और एक ट्राइपॉड भी जो होता है जो गेम्बल होता है आप सारा कुछ परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को फाइनली हम यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, और हमारे इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो तो ज़रूर कमेंट करें और बताएं। तो अभिषेक भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि अभिषेक भाई ने अपना इतना सारा कुछ प्रोडक्ट दिखाया और सारा आपको स्टेप बाय स्टेप प्राइस भी बताए और उसके क्या फीचर्स हैं वो भी बताए। तो अभी अब देखते हैं अभिषेक भाई क्या कहते हैं, फाइनली अभिषेक भाई से कुछ पूछते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें दिखाने में वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें जी। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको कोई जानकारी जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? क्योंकि जितना खर्चा प्रोडक्ट को ख़रीदने में किया गया है उतना ही खर्चा हम लोगों ने अपनी एनर्जी को किया है वीडियो को बनाने के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बहुत बहुत सही बताया भाई ने, और मैं आपको बताता चलूँ अगर, तो देखो यूट्यूबर बनने के लिए और एक अच्छे यूट्यूबर बनने के लिए सबसे पहले आपको मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, एक लगन जिसे कहते हैं आप इंग्लिश में रेगुलरिटी कंटिन्यू, मतलब अगर आप किसी भी कैटेगरी के वीडियो बनाते हो तो उस पर आपको कंटिन्यू काम करना होगा, 100% आपको देना होगा। आपके अंदर यदि जुनून है तो आपको इन सारे गैजेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओनली आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए और एक मैक होनी चाहिए जो कि आपकी लो रेंज में आएगी जो कि मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों यार बस फाइनली इस वीडियो में इतना ही आपको मैं बताना चाह रहा था। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको हम लखनऊ की किसी नई हिस्टोरिकल प्लेस में, क्योंकि अभी मैं लखनऊ आया हूँ तो अभिषेक भाई से भी मिला, तो अब आपको हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे किसी हिस्टोरिकल प्लेस में। तो फिर दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।